व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट। सब दरो दीवार गूंज जाएंगी इस हथियार से। तो यह हथियार अगर आपने बनवाना है, ऑर्डर प्लेस करें ऑनलाइन। हमारे छोटे भाई बिजनेस इसको हम करवाने लगे हैं ये वाला। भाईजान कैसे हो? लव यू हो रहा है। हालत फुल कमलों वाली हुई पड़ी है ना, क्योंकि अभी हम सो के उठे हैं। टाइम हमारे 2 बज गए हैं, लेकिन हमारी सुबह हुई है। अब चाय आ चुकी है और अब हम पियेंगे चाय। उसके बाद कोई पता नहीं आज क्या करना है। ब्लॉग क्योंकि बन नहीं रहा था, मैंने कहा ऐसे तो बनेगा नहीं, बनाते हैं, फिर जो जो होगा वही डालते रहेंगे। ठीक है, बाकी लव यू हो रहा है ना सबके साथ, फिर पार्ट हो। अभी जो भी कुछ करना है वो साथ साथ चलाएंगे। ओके करते हैं, लव यू हो गया। चल 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 चल। भैया ना अभी उठ के आए हैं बाहर, और बाहर आते ही हमें पता चला है कि हमारी एक अलमारी साहिबा लेटी हुई है, इसको खड़ा करना पड़ेगा। और इसके लिए मुझे लगता है देखना पड़ेगा क्या हो गया इसको। इसकी हो गई हैं कीलें, बाहर से निकल गई हैं, और माँ जी ने कहा इसका लॉक भी लगवाना है। तो अब हम चलेंगे मिस्त्री के पास, मिस्त्री को लेके आएंगे। और आज जो मौसम है मुझे लग रहा है वो भी काफ़ी ठंडी ठंडी हो गई है, क्योंकि 2 दिन से बड़ी धूप निकल रही थी। तो पहले ये ज़रा सेट करवाते हैं, फिर मुझे लगता है आज शायद आज बाजार का भी चक्कर लग गया, क्योंकि माँ जी कह रही थी मुझे बाज़ार नहीं लेके जाते हो, तो आज उनको बाज़ार भी ले जाएंगे। आज थोड़े से ना काम शाम करते हैं, आपका भाई वेला काफ़ी दिनों से रह रहा है, सब कहते हैं वेले हो वेले हो, तो आज थोड़े से काम शाम लोगों को शो करवा दें, ताकि वो लोग मुझे वेला ना समझें। ओके हो गया, चलें शाबाश। तो सही है भाई जान, अभी लकड़ी वाले अंकल के पास होके आए हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था। उनसे हमने 6 बजे शाम की अपॉइंटमेंट बुक करवा ली है। तो प्लीज़ सर, आपके पास टाइम है तो प्लीज़ अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल लें और हमारे पास आ जाएं यार, प्लीज़ सर। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो ये वाला काम हो गया है। अब आपको मुझे पता है आप यही कमेंट्स में लिख रहे होंगे कि भाई नहा लो, तो अभी हम नहाएंगे, उसके बाद जो भी काम करना है वो बाद में। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे टंग करके, वो जो आती है ना साउंड, उसका मज़ा ले लो भाई, मज़े की है वाकई। अच्छा, हमको सिखा रहा है जी। तो मेरे मित्रों और सज्जनों, आपका भाई पप्पू बच्चा बन के रेडी हो गया है। तो मेरे मित्रों तो सज्जनों, आज मैंने ये डायलॉग बोलना है, तो मेरे मित्रों तो सज्जनों, अभी हम जाते हैं मम्मा से अपनी थोड़ी सी करवाएंगे खातिरदारी, क्योंकि उनको आज हमें लेके जाना है बाजार, बड़ी ना मिन्नतों समाजों के बाद। तो उससे पहले हम थोड़ी सी अपनी खातिरदारी करवाएं। उसके बाद यार आज ना एक बहुत ही हमारे छोटे भाई हनान ने एक हैवी किस्म की मशीन दरियाफ्त की है, इन्वेंट की है, तो उसको अभी हम रिवील करेंगे। पहले जरा जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हमारा भी हमारी मम्मा ने कहा है कि हमें शॉपिंग करवा के लेके आओ, तो उससे पहले ही हमें रिश्वत दी जा रही है ताकि इनको लेके जाएं। चलो अम्मा, क्या याद रखोगी आपको, आज हम शॉपिंग करवा लेते हैं, ठीक है? Oh my God! जी आ गए हैं शॉपिंग करवाने मम्मा को। हम मम्मा ने सूट लेने हैं हमारी पसंद के, तो 2 मिनट जरा हमें दें, हम मम्मा को करवाते हैं सूट पसंद, और इनकी फ्री में प्रमोशन कर दें जरा डाइनर्स वालों की। अच्छे लोग हैं भाईजान जी, बाकी लेट्स सी अब क्या करना है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, भाईजान कपड़े ले लिए थे तो माँ जी ने कहा अब शूज़ भी दिलवाओ, तो अब आ गए हैं, शूज़ भी दिलवाएंगे, क्योंकि उनका ऑर्डर तो लोहे का ऑर्डर होता है। फिर जे हो जी, रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। अब जी आ गए हैं घर, सारी शॉपिंग वॉपिंग कर ली, मम्मा को भी या आपने सुन लिया होगा। अभी हम इधर अभी रिवील नहीं करेंगे, अभी हम इधर जो हमारे छोटे भाई ने एक मशीन हैवी किस्म की इन्वेंट की है वो हम आपको दिखाएंगे, पहले साइंटिफिक ब्लॉग होने वाला है ये। तो यार ये वाले जो काम है ना, ये बंदे के इंसान की लाइफ में नहीं ख़त्म होते, लेकिन इंसान को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, और इससे आता है चेहरे पर ग्लो, तो ये आपने लाजमी पीना है। ओके, ये है, ये आप कमेंट्स में बताएं क्या है, बहुत ही डिलीशियस चीज़ है ये। कुछ पूछा मैंने। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि छोटा भाई हनान सलीम, जो कि आज एक बहुत ही उसने हैवी किस्म की मशीन इन्वेंट की है, तो वो मैंने आपको बताया था, वो अब रिवील कर दूं। ये देखें, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। हनान जी क्या बनाया तूने? ये पटाखों की मशीन। पटाखों की मशीन, क्योंकि ना ये ना काफी दिनों से पटाखे बार बार लेके आ रहा था, 10 रुपए की डब्बी फिर खत्म कर दी, 10 रुपए की डब्बी फिर खत्म कर दी, तो मैंने इसको कहा यार कुछ ऐसी चीज बना के ना पैसे बंदे के एक बार ही लगे और बस फिर होती रहे। तो ये है छोटा इंजीनियर, फुल हैवी किस्म का। तो अब इसने ये बताई आप बनाने, इसके बारे में बता कैसे बनाई है और ये कैसे यूज होगी। ये है ना सुराख, इसके अंदर पहले माचिस का सारा बारूद डालना होता है। ठीक है, ये चार माचिस से कम से कम होना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं, ये आपने घर में बिल्कुल इसके ऊपर अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही 1956 की जंग में
1956 में जंग हुई थी तो शायद ये होगी, तो 1971 की जंग में ये इस्तेमाल हुआ है, तो ये आपने परहेज करना है इसको घर में यूज करने से। अच्छा ये देखो भी रोक दे। ठीक है बाबा जी। अच्छा ये अपना इसके अंदर, अच्छा ये सारा मच से डाल देनी है, बारूद डाल देना है। ठीक हो गया, डालो डालो शाबाश। कितनी मचों का बारूद होना चाहिए? चार मच से कम अज कम चार। ठीक हो गया। और ये बनाया कैसे तूने? ये एक डंडी लेके उसके ऊपर लोहा होता है मिलता है कहीं ना, रिपेयर जाते मोटरसाइकिल वगैरह की वो रिपेयरिंग नहीं होती। अच्छा वहाँ से मिल जाता है, उसको मैंने यहाँ लगा दिया डंडे पे। ठीक है बस उसको ना फिर बारूद, और उसको ये से कैसे धागे रपेट दिए उसके ऊपर। हाँ बस, और उसके ऊपर अब यहाँ पे ना कील लगा देनी है, बट ठीक है लास्ट होगा फिर। अब कील को इसके ऊपर लगा देना है। हाँ, फिर इसको जमीन पे मारना है। जमीन पे मारना है, चल भाई। यही नहीं अभी और सुनिए, 1 2 3 तैयार हो चुका है, चल। व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट, सब दरो दीवार गूंज जाएंगी इस हथियार से। तो यह हथियार अगर आपने बनवाना है ऑर्डर प्लेस करें ऑनलाइन, हमारे छोटे भाई बिजनेस इसको हम करवाने लगे हैं ये वाला। पटाखों वाली मशीन ये अब लोगों को बना के दिया करेगा। ठीक हो गया। मीनवाइल यार अब ना हम भी इसे सीखते हैं, क्योंकि ना मुझे देख के लग रहा है कि चस आएगी ये बजा के। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये मैं बजाऊं, ना भी चाहो तो मैं तो बजाऊंगा मैं सीखूंगा और फिर तक करके बजाएंगे, चस आ जाएगी। सिखा दे यार उन्होंने भाई, सिखा दो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सारा बारूद वगैरह भर लिया, अब बारी है एप्लीकेशन की, जरा इसको ना मैं इकट्ठा कर लूं। दुआ करना आप सब कि कुछ हादसा ना हो जाए। रुक जा मुझे दूर जाने दे, चल बजा जोर से, बजा जोर से बजा। सॉरी यार ये फुस हो गया हमारा। शिट यार, जैसा कि मैंने अपनी एक ट्राई मिस कर दिया है, अब ये मेरे पास फाइनल एंड लास्ट ट्राई है, क्योंकि हमारी माचिस की डब्बी मुक चुकी है ये देखें। तो अब हनान फाइनल बारूद भर के दे दे। आप सबसे मुझे दुआओं की अपील है कि प्लीज़ आप दुआ करें कि इस बार मैं अपना ये निशाना मार सकूं। तैयार हो गया? चल दे दे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यार अब ये मेरी फाइनल ट्राई आप करते हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं मार लूँगा। अब चल दे, पहली बार में नहीं बचता ना। नहीं और जोर से बजा। कैसी आवाज लगी आपको? तो आपके भाई ने फाइनल ड्राइव में पटाखा मार दिया है, सब घरों की खिड़कियां शीशे तोड़ टूट चुके हैं, इतनी तेज ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है, इतना तेज पटाखा दुनिया में किसी ने नहीं मारा था। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। चल झूठा के सारे घरों की खिड़कियां टूट चुकी हैं और उन सब की गालियां अब मुझे पड़ेंगी। वन एंड ओनली मी, यस। यार अगर आप भी ऐसी मशीन अगर बनवाना चाहते हैं तो ये हमारे छोटे भाई से रابطہ करें, ये आपको ऑर्डर प्लेस करें आप, इंशाल्लाह ये आपको इससे भी हैवी किस्म की घटिया तरीन मशीन बना के देगा, जो कि दो पटाखों के बाद ख़राब हो जाएगी, चेक करें। तो ये आपसे मेरी इल्तमास है कि आप ऑर्डर प्लेस करें हमें, थैंक यू कमेंट सेक्शन में। ओके हो गया, लव यू, थैंक्स, लव यू। तो यार आज का शुगर मेला यहाँ पे एंड करते हैं, आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, लव यू हो गया। आपके साथ भी, अपनी फैमिली वालों के साथ भी लव यू करें, मज़े से चिल करते रहें, सब्सक्राइब करें भाई को ताकि मज़े मज़े का कंटेंट आपको मिले, बेल आइकन पे क्लिक कर दें और जितना ज़्यादा हो सके प्यार फैलाएं, मुस्कुराहटें फैलाएं। लव यू हो गया।